मालिक एक फिर क्यों बटा हुआ संसार है, सबका मालिक एक फिर क्यों बटा हुआ संसार है, सच पूछो तो सारी दुनिया अपना ही परिवार है, सच पूछो तो सारी दुनिया अपना ही परिवार है। ओम शांति। आज 14 दिसंबर 2019 की हम मुरली सुनेंगे। मुरली का सार है, मीठे बच्चे तुम बाप के पास आते हो रिफ्रेश होने के लिए, तुम बाप के पास आते हो रिफ्रेश होने, बाप के मिलने से भक्ति मार्ग की सब थकान दूर हो जाए। और जितना हम भक्ति में दौड़ते रहे, भागते रहे, क्या चारों धाम की यात्रा करते रहे, मंजिल क्या थी? भगवान मिले। और भगवान मिल गया तो सारी थकावट क्या हो गई? दूर हो गई। तो उन बच्चों को बाबा से किस विधि से रिफ्रेश होते करते हैं, बाबा जो है तुम्हें कैसे रिफ्रेश करते हैं, आज का प्रश्न है, क्या करते हैं बाबा? उत्तर देते बाबा, बाबा ज्ञान सुना सुना कर तुम्हें रिफ्रेश कर देते हैं। याद से भी तुम बच्चे रिफ्रेश हो जाते हो, वास्तव में सतयुग है सच्ची विश्रामपुरी, वहां कोई अप्राप्त वस्तु नहीं जिसको प्राप्त करने के लिए परिश्रम करना पड़े। बाबा ज्ञान सुना सुना कर तुम्हें रिफ्रेश कर देते हैं, होता है क्या? होता है ज्ञान सुनने से, क्योंकि जैसे हमें बाबा एक ही बात को रोजाना अलग अलग तरीके से समझाते हैं, उसके महत्व को समझाते हैं, हमारे जीवन में उसकी क्या जरूरत है ये हमें अनुभव कराते हैं, जिससे हम फिर से रिफ्रेश हो जाते हैं। अब दूसरा है, याद से भी तुम बच्चे रिफ्रेश हो सकते हो। दोनों में क्या अंतर है? एक तो ज्ञान नया नया सुना, आज हमें नई बात मिली, आज हमें एक और नई बात मिली, उससे हमें रिफ्रेशमेंट आती है, क्योंकि बासा खाने में रिफ्रेशमेंट नहीं आती। अब याद से क्या करती है? याद से भी तुम बच्चे रिफ्रेश हो जाते हो। हमने सुना नहीं है, जो हमने सुना हुआ था उसको याद किया, और उसको याद करने से भी हम क्या हो जाते हैं? रिफ्रेश हो जाते हैं। कैसे? याद करना माना जब हमने उसे अप्लाई किया और उसको प्रयोग करने में सफलता मिली तो भी क्या मिलती है? खुशी मिलती है, रिफ्रेशनेस मिलती है, क्योंकि हर बार एक ही पॉइंट को अप्लाई करने में कुछ नयापन लगता है। पहले हमने मान लो 10 मिनट में किसी बात को सफलता प्राप्त की, फिर हमें 8 मिनट हुए, 5 मिनट हुए, 4 मिनट हुए, जब हमें सफलता का समय कम होता जाता है तो भी हमें क्या होती है? खुशी होती है। वास्तव में सतयुग है सच्ची विश्रामपुरी। वैसे विश्राम तो शांति धाम में होता है, परंतु सतयुग में भी हमें कुछ ज्यादा हार्ड भाग दौड़ नहीं करनी पड़ती। हमारे विचारों की जो सीमा गति है, स्पीड है, वो क्या होती है? बहुत स्लो होती है। वहां कोई अप्राप्त वस्तु नहीं। सतयुग के अंदर सबसे बड़ी चीज ये है कि कोई चीज ऐसी नहीं जो हमें प्राप्त ना हो, जिसको प्राप्त करने के लिए पुरुषार्थ करना पड़े। शिव बाबा की गोद में आते ही तुम बच्चों को विश्राम मिल जाता, क्योंकि जिसको ढूंढ रहे थे, भटक रहे थे, वो मिल गया तो सारी थकावट क्या हो जाती है? दूर हो जाती है। ओम शांति। बाप बैठ समझाते हैं, साथ में ये दादा भी समझाते हैं तो जैसे तुम भी समझते हो वैसे ये दादा भी समझते हैं। दादा को भगवान ने दादा को भगवान नहीं कहा जाता, ये है भगवानोवाच। शांति के लिए जंगल आदि में जाकर कोई उपाय नहीं किया जाता। आत्मा तो है ही साइलेंस,
मतलब शांति के लिए कोई जंगल में जाने की जरूरत नहीं, आत्मा तो खुद शांत स्वरूप है, फिर उपाय क्या करना? ये बाप बैठ समझाते हैं, उस बात को ही कहते हैं कि वहां ले चल जहां सुख चैन पावे। कौन सा गीत चला होगा? ले चल दूर कहीं, बाप क्या समझाते हैं? देही अभिमानी भाव। बाबा क्या समझाते हैं? आत्म अभिमानी बनो। क्यों? क्योंकि अपने को आत्मा समझने बिगर परम पिता परमात्मा को याद कर ना सके। इस समय तो सभी आत्माएं पतित हैं, पतित को ही मनुष्य कहा जाता है, पावन को देवता कहा जाता है। ये बहुत सहज समझने और समझाने की बातें हैं। मनुष्य को पुकारते हैं, हे पतितों को पावन बनाने वाले आओ। देवी देवताएं ऐसे कभी नहीं कहेंगे। पतित पावन बाप पतितों के बुलावे पर आते हैं। आते हैं बुलावे पर? कहते हैं मैं तुम्हारे बुलाने पर नहीं आता। दोनों विरोधी बातें हैं। मैं निश्चित समय पर आकर अपना कार्य करता हूं। पतित पावन बाप पतितों के बुलावे पर आते हैं, आत्माओं को पावन बनाकर फिर नई पावन दुनिया भी स्थापन करते हैं। आत्मा ही बाप को पुकारती है, शरीर तो नहीं पुकारेगा। पारलौकिक बाप जो सदा पावन है उसे ही सब याद करते हैं, उसे ही सब याद करते हैं। ये है पुरानी दुनिया। बाप नई पावन दुनिया बनाते हैं। कई तो ऐसे भी हैं जो कहते हैं हमको तो यहां से यहां ही अपार सुख है, क्योंकि धन बहुत, सारी सुविधाएं हमें भगवान ने दे रखी हैं, हमें कुछ भी करने की जरूरत नहीं। भाई टैंक चलो मंदिर चले, कहते तुम जाओ मंदिर में, हमें तो भगवान ने सब कुछ यहाँ दे रखा है, तुम जाओ तुम मांगो पुरुषार्थ करो तुम्हें भगवान देगा। वे ही समझते हैं हमारे लिए स्वर्ग यही है, वो तुम्हारी बातें कैसे मानेंगे। कलयुगी दुनिया को स्वर्ग समझना ये भी बेसमझी है। कितनी जड़ जड़ी भूत अवस्था हो गई है तो भी मनुष्य कहते हैं हम तो स्वर्ग में हैं, हम तो स्वर्ग में हैं। बच्चे नहीं समझते हैं तो बाप कहेंगे ना तुम क्या पत्थर बुद्धि हो, दूसरे को नहीं समझा सकते हो। जब खुद पारस बुद्धि बने तब तो दूसरों को भी बनावे। जब खुद पारस बुद्धि बने तब तो दूसरों को भी पारस बुद्धि बनावे। पुरुषार्थ अच्छा करना चाहिए, इसमें लज्जा की बात नहीं है, शर्म की कोई बात नहीं है। परंतु मनुष्यों की बुद्धि में आधा कल्प की जो उल्टी मतें भरी हुई हैं वो कोई जल्दी भूलती नहीं, वे कोई जल्दी भूलती। जब तक बाप को यथार्थ रीति नहीं पहचाना है तब तक वो ताकत आ नहीं सकती, तब तक वो ताकत आ नहीं सकती। बाप कहते हैं इन वेदों शास्त्रों आदि से मनुष्य कुछ भी सुधरते नहीं, मनुष्य कुछ भी सुधरते। दिन प्रतिदिन और ही बिगड़ते आए हैं, सतो प्रधान से तमो प्रधान ही बने हैं। ये किसकी भी बुद्धि में नहीं है कि हम ही सतो प्रधान देवी देवता थे। कैसे नीचे गिरे? फिर 84 जन्मों के बदले उन्होंने क्या किया? 84 लाख जन्म कह दिए, तो फिर पता भी कैसे पड़े।
बाप बिगर ज्ञान की रोशनी देने वाला कोई सभी एक दो के पिछाड़ी दर दर थक्के खाते रहते हैं, नीचे गिरते गिरते पट पल पड़ गए, सब ताकत खत्म हो गई है, बुद्धि में भी ताकत नहीं जो बाप को यथार्थ जान सके। सतयुग को भी विश्रामपुरी कहा जाता है, वहां तुम्हें कितना विश्राम मिलता है, कोई अप्राप्त वस्तु नहीं जिसके लिए परिश्रम करना पड़े। यहां रिफ्रेश बाप भी करते हैं तो ये दादा भी करते हैं, शिव बाबा की गोद में आते कितना विश्राम मिलता है, शिव बाबा की गोद में आते कितना विश्राम मिलता है, विश्राम माना शांत। मनुष्य भी थक कर विश्रामी हो जाते हैं, कोई कहां विश्राम के लिए जाते हैं ना, लेकिन उस विश्राम में रिफ्रेशमेंट सोचते हैं कि हम तीर्थ स्थानों पर जाएं, हफ्ता 10 दिन 5 दिन वहां रह करके आए, विश्राम करें, इस दुनिया के झमेले से दूर चले जाएं, परंतु वहां भी कोई विश्राम, वहां इधर देखो उधर देखो बजाय इसके और थक थका के आ जाए। लेकिन उस विश्राम में रिफ्रेशमेंट नहीं है, यहां तो बाप तुम्हें कितना ज्ञान सुनाकर रिफ्रेश करते हैं, बाप की याद से भी कितने रिफ्रेश होते हैं और तमो प्रधान से सतो प्रधान भी बनते जाते हैं, जितना बाप के डायरेक्शन पर चलते हैं उतना पवित्र सतो प्रधान बनते जाते हैं। सतो प्रधान बनने के लिए यहां बाप के पास आते हो, बाप कहते हैं मीठे मीठे बच्चों, बाप को बाप का कहना मानो, बाप का कहना मानो, बाप कहते हैं मीठे बच्चों, बाप को याद करो, बाप ने समझाया है सारे सृष्टि का चक्र कैसे फिरता है, सर्व आत्माओं को विश्राम कैसे और कहां मिलता है, कहां मिलता है, परम धाम में, शांति धाम में, निर्वाण धाम में। तुम बच्चों का फर्ज है सबको बाप का पैगाम देना, बाप कहते हैं मुझे याद करो तो इस वर्ष को तुम मालिक बन जाएंगे, बाप इस संगम युग पर नई स्वर्ग की दुनिया बनाते जहां तुम जाकर मालिक बनते, स्वर्ग के तुम मालिक बनते हो। बाबा बनाता है, जरा सा काम करता नहीं, बाबा डायरेक्शन देता है, हर एक ने अपने लिए स्वर्ग खुद बनाना है, बाबा रास्ता नहीं बताता तो कैसे बताता? रास्ता बताता, मतलब यहाँ हम इस बात पर ना बैठ जाएं कि बाबा हमें स्वर्ग बनाकर देगा, बनाएगा नहीं, बनाने का रास्ता बता दिया है, मेहनत हर एक ने करनी है और हर एक ने अपनी मेहनत का ही फल पाना है, किसी दूसरे की मेहनत का फल उसे मिल नहीं सकता, तभी वो वहां का मालिक बनेगा, मेहनत नहीं करेगा तो मालिक भी नहीं। फिर द्वापर में माया रावण के द्वारा तुम्हें श्राप मिलता है तो पवित्रता सुख शांति धन आदि सब खत्म हो जाता है, कैसे धीरे धीरे खत्म होता है वो भी बाप ने समझाया है, दुख धाम में कोई विश्राम थोड़े होता है, सुख धाम में विश्राम ही विश्राम है, सुख धाम में विश्राम ही विश्राम। मनुष्यों को भक्ति कितना थकाती है, चारों धाम की यात्रा करो, गंगा जमुना नदियों पर जाकर स्नान करो, मंदिरों में जाओ, जन्म जन्मांतर भक्ति से कितने थक जाते हैं, जे कैसे एकदम कंगाल बन गए हैं, ये सारा राज बाप बैठ समझाते हैं, नए नए आते हैं तो उन्हें कितना समझाना होता है, हर एक बात पर मनुष्य कितना सोचते हैं,
कितना सोचते हैं, समझते हैं कहां जादू ना हो। अरे तुम ही कहते हो भगवान जादूगर है, तो बाप कहते हैं हां मैं बरोबर जादूगर हूं। बस तुम कहते हो जादूगर हो तो मैं जादूगर हूं, परंतु वो जादू नहीं जिससे मनुष्य भेड़ बकरी बन जाए। ये बुद्धि से समझा जाता है, ये तो जैसे रिल मिशन है। रिल मतलब भेड़ जो बुढ़ी हो गई, जो किसी काम की अब ना रही हो। कायन भी है ना, सुर मंडल के साथ से इस समय तो जैसे सभी मनुष्य ऋण बन कि सुर मंडल के साथ से दुनिया को श्रेष्ठ बनाया रचा, ठीक है कहने। और इस समय तो जैसे मनुष्य क्या है, सब ऋण बकरियां हैं, बुढ़ी बकरियां हैं, तो 5,000 साल से परम धाम से आई पड़ी हैं। ये बातें सारी यहां इस समय का ही गायन है। कल्प के पिछाड़ी को भी मनुष्य समझ नहीं सकते। चंडिका का कितना बड़ा मेला लगता है, वो कौन थी, चंडिका कौन थी? कहते हैं वो एक देवी थी। ऐसे नाम तो वहां कोई होता ही नहीं। सतयुग में कितने अच्छे सुंदर नाम होते हैं, सतयुग में ऐसे नाम नहीं होते। सतयुगी संप्रदाय को श्रेष्ठाचारी कहा जाता है, कलयुगी संप्रदाय को तो कितना ची ची टाइटल देते हैं। अभी के मनुष्यों को श्रेष्ठ नहीं कहेंगे, अभी के मनुष्यों को श्रेष्ठ नहीं कहेंगे, देवताओं को श्रेष्ठ कहा जाता है, देवताओं को श्रेष्ठ कहा जाता है। गायन भी है, मनुष्य से देवता की ये करत न लागी वा, किसको किसने बनाया मनुष्य से देवता, कब बनाया, कैसे बनाया मनुष्य से देवता, कैसे बनते हैं, ये राज बाप ने तुम्हें समझाया है। उनको डीटी वर्ल्ड और इनको ह्यूमन, उनको कहा जाता है देवी देवताओं की दुनिया और इसको कहा जाता है मनुष्यों की दुनिया। दिन को सोजरा, रात को अंधियारा कहा जाता है। ज्ञान है सोजरा, भक्ति है अंधियारा। अज्ञान नींद कहा जाता है ना, अज्ञान नींद कहा जाता है ना। तुम भी समझते हो कि आगे हम कुछ भी नहीं जानते थे, तो वेदों में क्या लिखा गया, नेति नेति, हम नहीं जानते कि सृष्टि की रचना किसने कब कैसे की, हम उसके आरंभ को नहीं जानते। अभी तुम समझते हो, हम भी तो पहले नास्तिक थे, बेहद के बाप को ही नहीं जानते थे, वो है असली अविनाशी बाबा, उसे सर्व आत्माओं का कल्याण करना, इसलिए सर्व आत्माओं का वो बाप है। तुम भी बच्चे जानते हो, अभी उस बेहद के बाप के बने हैं। बाप बच्चों को गुप्त ज्ञान देते हैं, कैसा ज्ञान देते हैं, जो दुनिया में कहीं उपलब्ध नहीं है। ये ज्ञान मनुष्यों के पास कहां मिल नहीं सकता। आत्मा भी गुप्त, ज्ञान भी गुप्त, धारणा भी आत्मा करती है गुप्त। आत्मा ही मुख द्वारा ज्ञान सुनाती है, आत्मा ही गुप्त बाप को गुप्त याद करती है। याद भी कैसे करती है, गुप्त। किसी को पता ही नहीं है कि ये ना माला फेरनी है, ना कोई जाप करना है, ना कोई उच्चारण करना है, अपना चलते फिरते उठते बैठते हर एक काम बाप के डायरेक्शन पर करते रहना। बाप कहते हैं बच्चों देही अभिमानी बनो, देह अभिमानी मत बनो। देह अभिमान से आत्मा की ताकत खत्म हो जाती है, आत्म अभिमानी बनने से आत्मा में ताकत जमा होती है।
बाग कहते हैं ड्रामा के राज को अच्छी रीति समझ कर, ड्रामा के राज को अच्छी रीति समझ कर चलना है। इस अविनाशी ड्रामा के राज को जो ठीक रीति जानते हैं वो सदा हर्षित रहते हैं। इस समय मनुष्य ऊपर जाने की कितनी कोशिश करते हैं, समझते हैं ऊपर में दुनिया है। शास्त्रों में सुन रखा है ऊपर में दुनिया है, तो वहां जाकर देखेंगे, वहां दुनिया बसाने की कोशिश करते हैं। बना रहे ना मंगल ग्रह पर, चंद्रमा पर कॉलोनी बनाएंगे। दुनिया तो बहुत बसाई है ना, भारत में सिर्फ एक ही आदि सनातन देवी देवता धर्म था और कोई खंड आदि नहीं था, फिर कितना बसाया है तुम विचार करो। भारत के कितने थोड़े टुकड़े में देवताएं होते हैं, एक ही पंजाब, एक ही कॉन्टिनेंट, ना अमेरिका, ना अफ्रीका, ना ऑस्ट्रेलिया, ना यूरोप, कोई ऐसा कॉन्टिनेंट नहीं होता, केवल एक ही द्वीप होता है और वहां केवल और केवल देवताएं ही। जमुना के किनारे पर परिस्थान था जहां ये लक्ष्मी नारायण का राज्य था, कितना सुंदर शोभायमान सत्व प्रधान दुनिया थी, नेचुरल ब्यूटी थी, आत्मा में ही सारा चमत्कार रहता है। बच्चों को दिखाया था श्री कृष्ण का जन्म कैसे होता है, सारे कमरे में जैसे रोशनी हो जाती है। तो बाप बैठकर बच्चों को समझाते हैं, अभी तुम परिस्थान में जाने के लिए पुरुषार्थ कर रहे हो, बाकी ऐसे नहीं कि तालाब में डुबकी लगाने से परियां बन जाएंगे। ये सभी झूठे नाम रख दिए हैं, लाखों वर्ष कह देने से बिल्कुल ही सब कुछ भूल गए, सब कुछ भूल गए हैं। अभी तुम अभूल बन रहे हो, भूलने का विपरीत क्या हो गया, अभूल। अब तुम्हें हर बात याद आ रही है, स्मृति में आ रही है, नंबर वार पुरुषार्थ अनुसार विचार किया जाता है। इतनी छोटी सी आत्मा कितना बड़ा पार शरीर से बच जाती है, फिर शरीर से आत्मा निकल जाती है, तो शरीर को देखा, शरीर का देखो क्या हाल हो जाता है, आत्मा ही पार्ट बजाती है, आत्मा ही पार्ट बजाती है। कितनी बड़ी विचार की बात है, सारी दुनिया के एक्टर्स आत्माएं अपनी एक्ट अनुसार ही पार्ट बजाते हैं, चेंज नहीं कर सकते, चल मैं थोड़ी देर अपनी मर्जी का पार्ट बजा लूं, ऐसा कोई आत्मा नहीं कर सकते। कुछ भी फर्क नहीं पड़ सकता, हूबहू सारी एक्ट फिर से रिपीट हो रही है, इसमें संशय कर नहीं सकते, इसमें डाउट करने की कोई बात ही नहीं। हर एक की बुद्धि में फर्क पड़ सकता है, क्योंकि आत्मा तो मन बुद्धि सहित है, आत्मा तो मन बुद्धि सहित है ना। बच्चों को मालूम है कि हमको स्कॉलरशिप लेनी है, तो दिल अंदर खुशी होती है, यहां भी अंदर आने से ही ऑब्जेक्ट सामने देखते हैं, एम ऑब्जेक्ट सामने दिखाई देता है कि हमने क्या बनना है, तो खुशी तो जरूर होगी, क्योंकि जैसे कोई आता है तो सबके सभी सेंटर्स पर लगभग क्या लगा होता है, लक्ष्मी नारायण का चित्र लगा होता है, तो खुशी तो जरूर होगी ना। अभी तुम जानते हो हम ये देवी देवता बनने के लिए यहां पढ़ते हैं, हम ये देवी देवता बनने के लिए यहां पढ़ते हैं। ऐसा कोई स्कूल नहीं जहां दूसरे जन्म की एम ऑब्जेक्ट को देख सके, तुम देखते हो कि हम लक्ष्मी नारायण जैसे बन रहे हैं, अभी हम संगम युग पर हैं, जो भविष्य में इन जैसा लक्ष्मी नारायण बनने की पढ़ाई पढ़ रहे हैं। कितनी गुप्त पढ़ाई है, कितनी
गुप्त पढ़ाई है। एम ऑब्जेक्ट को देख खुशी होनी चाहिए, खुशी का पारावार नहीं। स्कूल व पाठशाला हो तो ऐसे, यह है कितनी गुप्त, वो तो जबरदस्त पाठशाला है। जितनी बड़ी पढ़ाई उतनी फैसिलिटीज रहती है, परंतु यहां तुम कहां बैठे हो, पट पर बैठे। वो बड़े स्कूल होते हैं, जितना बड़ा होगा वहां उतना कुर्सियां बेंच उतने अच्छी क्वालिटी के होंगे, रूम एसी पता नहीं क्या क्या होना चाहिए, और यहाँ आप कहाँ बैठे हो, पट पर बैठकर पढ़ते हो। आत्मा को पढ़ना होता है, फिर चाहे पट पर बैठे चाहे तख्त पर बैठे, परंतु खुशी से खगिया मारते रहो कि इस पढ़ाई को पास करने बाद जाकर हम ये देवता बने। अभी तो बच्चों को बाप ने आकर अपना परिचय दिया है कि मैं इनमें कैसे प्रवेश कर तुम्हें पढ़ाता हूँ, कैसे मैं इनमें प्रवेश करता हूँ और कैसे मैं तुमको पढ़ाता हूँ। बाप देवताओं को तो नहीं पढ़ाएंगे ना, कितनी बड़ी बात है, देवताओं को परमात्मा नहीं पढ़ाएंगे, पतितों को आकर मनुष्य तो मूझते हैं। क्या देवताओं में ज्ञान नहीं है? देवताओं को नहीं पढ़ाते तो देवताओं में ज्ञान नहीं है? देवताएं ही इस ज्ञान से देवता बनते हैं। देवता बनने के बाद फिर ज्ञान की दरकार ही नहीं रहती है। लौकिक पढ़ाई से बैरिस्टर बन गया, कमाई में लग गया, फिर बैरिस्टरी पढ़ेंगे क्या? जब बैरिस्टर बन गया फिर बैरिस्टरी पढ़ेंगे क्या? अच्छा, मीठे मीठे सिकी लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग, रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है, अविनाशी ड्रामा के राज को यथार्थ समझ हर्षित। अविनाशी ड्रामा के राज को यथा एक्यूरेट समझ कर हर्षित रहना है। इस ड्रामा में हर एक एक्टर का पार्ट अपना अपना है, जो हू-ब-हू बजा रहे हैं। कोई भी एक्टर अपने पार्ट में जरा भी परिवर्तन या गलती नहीं कर सकता। दूसरा पॉइंट है, एम ऑब्जेक्ट को सामने रख खुशी में खगियां मारनी है। बुद्धि में रहे हम इस पढ़ाई से ऐसा लक्ष्मी नारायण बनेंगे। आज का वरदान है, ब्राह्मण जीवन में हर सेकंड सुखमय स्थिति का अनुभव करने वाले संपूर्ण पवित्र आत्मा भाव। ब्राह्मण जीवन पवित्रता नहीं तो ब्राह्मण जीवन ही नहीं होगा। ब्राह्मण जीवन में हर सेकंड सुखमय स्थिति का अनुभव करने वाले संपूर्ण पवित्र आत्मा भाव कैसे बनेंगे, उसकी विधि बाबा हमें सिखाते। पवित्रता को ही सुख शांति की जननी कहा जाता है। किसी भी प्रकार की अपवित्रता दुख अशांति का अनुभव कराती है। पवित्रता सुख शांति की जननी है और अपवित्रता दुख अशांति का अनुभव कराती है। ब्राह्मण जीवन अर्थात हर सेकंड सुखमय स्थिति, हर सेकंड
सुखमय स्थिति में रहने वाले। चाहे दुख का नजारा भी हो, कितना चारों तरफ दुख के नजारे हो, लेकिन जहां पवित्रता की शक्ति है वहां दुख का अनुभव नहीं हो सकता। पवित्र आत्माएं मास्टर सुखकर्ता बन दुख को रूहानी सुख के वायुमंडल में परिवर्तन कर देती है। पवित्र आत्माएं मास्टर सुखकर्ता बन दुख को रूहानी सुख में, सुख के वायुमंडल में परिवर्तन कर देती है। कैसे करेंगे? दुख को सुख के रूहानी मंडल में, वायुमंडल में परिवर्तन करना है, रूहानी सुख के वायुमंडल। क्योंकि परमात्मा ने बताया कि अकल्याण हो ही नहीं सकता। किसी ने दुख दिया है, कितना बड़ा दुख दिया है, अकाउंट दुख खत्म, एकदम रूहानी सुख में क्या हो गया, परिवर्तन हो गया। मैंने दिया था वो दिया, हिसाब बराबर हुआ। आज का स्लोगन है, साधनों का प्रयोग करते साधना को बढ़ाना ही बेहद की वैराग्य वृद्धि है। साधनों को प्रयोग करो, साधना नहीं रुकनी चाहिए, साधना को बढ़ाना है बेहद की वैराग्य वृद्धि। भक्ति बनी चाहिए सत्य की होती है।